बिहार विधानसभा चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने 32 सीटों को चुनकर उसकी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें से ज्यादा सीटों पर RJD और कांग्रेस का कब्जा है और मुस्लिम विधायक भी अच्छे खासे हैं। इन सीटों पर ओवैसी की पार्टी के चुनाव लड़ने की मंशा ने महागठबंधन के साथ साथ मौजूदा मुस्लिम विधायकों के लिए भी टेंशन बढ़ा दी है। AIMIM ने बिहार विधानसभा की 243 में से 32 सीटों पर लड़ने की पहली लिस्ट जारी की है। इसमें से फिलहाल 16 सीटों पर RJD का कब्जा है तो 7 सीटें कांग्रेस के पास हैं। वहीं 4 सीटें JDU और 3 सीटें BJP के पास हैं, जबकि 3 सीटें अन्य के पास हैं। इन सीटों पर दिलचस्प बात यह है कि 32 सीटों में से 10 पर मुस्लिम विधायक हैं, जिनमें से 7 RJD, 2 कांग्रेस और 1 माले से मुस्लिम विधायक है। आपको बता दें कि बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसमें AIMIM ने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर महागठबंधन की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। ओवैसी के स्टैंड से विधानसभा चुनाव में BJP JDU की राह आसान हो सकती है, क्योंकि उन्होंने जिन सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है उसमें से 2/3 से ज्यादा सीटों पर अभी महागठबंधन का कब्जा है। ऐसे में अगर मुस्लिम वोटों का बंटवारा हुआ तो विपक्ष की राह मुश्किल हो सकती है। न्यूज़ डेस्क।